आइए अभी हम एक बहुमूल्य पवित्र आत्मा का वरदानों के बारे में अभी थोड़ा मनन करेगा और हम आपस में प्रार्थना करेगा तो पवित्र आत्मा का वरदान आपको अनुभव होगा। देखो प्रभु ईसा ने उनके चेलों को बुलाया, मतलब उनको छुना। छूने के बाद जैसे कि फादर लोगों को सिस्टर लोगों को पठाने के लिए सेमिनारी नहीं तो फॉर्मेशन हाउस भेजता है, ऐसा नहीं किया है प्रभु ने। क्या किया? मत्ती का सुसमाचार में वो बारहों को चुनने के बाद सीधा उनको वरदान दे दिया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 7-8 में लिखा है, मत्ती 10 अच्छा मत्ती अध्याय 10:5 से लेके ईसा ने इन बारहों को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहां मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इसराइल के घराने को खोए हुए भेड़ों के पास यहां जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करें, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। देखिए अभी सब लोग हाथ उठाते हुए दोहराइए, और बारगों को ये कहा, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कैदियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है मुफ्त में दे दो। देखो आपकी आवाज बाहर नहीं आता है, एकदम चू पूरी ऊंची आवाज से बोल रहा थोड़ा आवाज और बढ़ा के बोलेगा, है ना। प्रभु बारगों को चुनने के बाद उनको पहले भेजा, एक तो उन्हें चुना मतलब बुलाया और भेजा, लेकिन बुलाया और भेजने के बीच में क्या हुआ, उन्होंने उन लोगों को सब वरदान दे दिया। सब वरदान सबसे पहले सुसमाचार घोषणा करो। सुसमाचार का घोषणा क्या है? स्वर्ग का राज निकट है। और क्या करने बोला? हाँ, सब लोग ऊंचे आवाज से, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कैदियों को कोठियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है मुफ्त में दे दो। ये जो लोग अनपढ़ लोग था, आप लोग कैसे है? बहुत पढ़ा लिखा है क्या है? हम लोग भी खास करके अनपढ़ है, वैसे लोगों को प्रभु अपना टीम है, प्रभु का टीम है। प्रभु का टीम कौन है? कुछ मछुआरे लोग। और उन लोगों को ये आदेश दिया, ये वरदान दिया और भेजा। अभी वो इंग्लिश में बोलता है तो हील द सिक, रेज द डेड, क्लेंस द लेपर, कास्ट आउट डीमंस। तो इन लोग ये भार्गव ने प्रभु के पास से बाहर आके जाने लगा, हील द सिक, रेज द डेड, क्लेंस द लेपर, कास्ट आउट डीमंस, कम ऑन एवरीबॉडी, हील द सिक,
चलिए बोलिए, हील द सिक, रेज द डेड, क्लेंज द लेपर, कास्ट आउट डीमंस। चलो जल्दी जाओ। ऐसा वो लोग वो सब गांव गांव में जाकर सब रोगियों को पकड़कर चंगा करने चालू किया। प्यारे भाइयों बहनों, ये सचमुच मेरे जीवन पर हुआ है। मुझे पवित्र आत्मा को अनुभव होने के बाद मैं सबको डाउट डाउट कर पकड़ कर चंगा करने चालू कर दिया। जब जब मैं कभी कभी कुछ नहीं होता है, फिर भी मुझे इतना हृदय पर इतना कितना दिलचस्पी हुआ कि उनको प्रभु यीशु के बारे में कहना है और चंगाई का प्रार्थना करना है। और बहुत लोगों को चंगाई मिला और बहुत से लोग प्रभु यीशु का प्यार का अनुभव हुआ। तब मुझे समझ गया कि मैं सचमुच एक ईसाई हूं, क्योंकि मरकुस का सुसमाचार में आगे में ये लिखा है, एक ईसाई होने के नाते, एक विश्वासी होने से एक चिन्ह होगा उसमें, विश्वासियों पर एक चिन्ह होगा। क्या है विश्वासी? अगर प्रभु में विश्वास करता है तो उनका एक चिन्ह होगा। यही बात अग्रिम संत मार्कुस ने कहा है, विश्वासियों ने क्या प्रभु ईसा अपने शिष्यों से बात करने के नहीं, 17 विश्वास करने वालों ये चमत्कार दिखाया करेगा। विश्वास बोलिए 17 मरकुस का सुसमाचार 16 और 17, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेगा, वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेगा, नवीन भाषाएं बोलेगा और सांपों को उठा लेगा, यदि वो विष पिएगा तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगा। अभी सब लोग जोर से वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, हाथ ऊपर उठाते हुए, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएगा। देखो मैं प्रभु क्या बोलता है, देखो प्रभु मैं कोई डॉक्टर नहीं, कोई चंगाई देने वाला नहीं, लेकिन मैं एक विश्वासी हूं। मैं कौन है? एक विश्वासी हूं, मैं एक विश्वासी हूं, मुझ में प्रभु यीशु उपस्थित है। तो प्रभु आपका वचन पर आप ही लिखाए, अगर ये नहीं होगा तो ये वचन को इसमें से काटो। अगर ये नहीं होता है तो इसमें कौन लिखा ऐसा? अगर ये नहीं होता है तो ये धर्म ग्रंथ से वचन को काट दो। प्यार से बोलता है प्रभु को, प्यार से बोलता है, इसीलिए मैं हाथ लगाने वाला है। मैं हाथ लगा के प्रार्थना करेगा तो क्या होगा? चंगाई होगा। क्यों होगा? मेरे वजह से नहीं, आपके वजह से। आपने कहा है मेरा नाम ले, मेरा नाम लेकर तुम किसी रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। क्या आप ये विश्वास कर सकता क्या है? और कर रहा तो ये सब ईश्वर का वरदान है, एक विश्वासी को दिया हुआ है। लेकिन ये वरदान हमारे पास है, हम लोग वो ठक के रखा है, कोई इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए हमारा विश्वास का अनुभव नहीं होता है।
हमारा विश्वास, हमारे अंदर विश्वास है तो उसका एक चिन्ह होना चाहिए। इसलिए कहा कि विश्वास करने वालों में एक चमत्कार दिखाया हरे करेंगे, ये चिन्ह होगा, ये चिन्ह होगा। मैं एक बार शायद पटना में है लगता है, बहुत बड़ा बाइबल कन्वेंशन चल रहा है, बाइबल बहुत करीब 10,000 लोग है, और अचानक एक हिंदू बहन जी उनकी एक लड़की को लेके आया। वो लड़की का हाथ ऐसा है, ऐसा वो हाथ ऐसा घुला नहीं है, वो हाथ ऐसा रखा है, ऐसा है। तो वो बोलता है कि मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ, मैं सचमुच प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, और प्रार्थना कीजिए मेरा बच्चा का ये हाथ को चंगाई करने के लिए। पहले मैं सोचा वो मैं प्रार्थना करेगा तो कुछ होगा क्या। तब ये बहन जी सीधा स्टेज पर लेके आके बोला, आप प्रार्थना करो जरूर होगा। तो मैं सोचा प्रभु मेरा विश्वास नहीं है तो भी उसको विश्वास है। मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिला और उसके बाद मैं याद किया, ये वजन याद किया, अभी मार्कुस मत्ती का सुसमाचार में क्या है, रोगियों को चंगा कर लिखा है, और यहां पर लिखा है कि विश्वासी होने के नाते एक चिन्ह होगा, तुम मेरा नाम लेकर रोगियों पर हाथ रखेगा तो चंगाई होगा। 10,000 से अधिक लोग हैं देखना, और एक वो स्वयं बोला मैं एक हिंदू है लेकिन मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, और लोगों को बहुत चंगाई होता भी है। ईसाई लोगों को उतना नहीं होता है, हिंदू लोगों तो प्रभु चिन्ह के द्वारा उनका विश्वास को। तब मैंने ये प्रार्थना किया, प्रभु यीशु कुछ देरी पहले हम लोग सीखा ना, प्रभु का वचन में जो लिखा है वो होगा ही होगा, होगा क्या, होगा क्या, क्यों होगा, प्रभु ने कहा है। तो मैंने ये वचन से लेकर मैंने प्रार्थना किया, और मैं सबों को भी प्रार्थना करने के लिए बोला, आइए। मैं बोला हम लोग अभी ये बच्चे के लिए प्रार्थना करेगा, देखो वो हाथ ऐसे ही था, और मैंने प्रार्थना किया, हे प्रभु यीशु तूने कहा है विश्वासियों पर इस चिन्ह होगा, और मैं विश्वास करता हूँ तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर संसार का मुक्तिदाता तू है, और तुम सबों पर है और मुझ में भी है, और आपका वचन अभी पूरा होगा, यीशु के नाम से ये बच्चे का हाथ चंगा हो जाओ करके हाथ लगा। तो आस्ते आस्ते देखो, आस्ते 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 ये हाथ चल सीधा हो गया। हालेलुया। अभी देखो इतने हजारों लोग प्रभु को इतना स्तुतिगान किया, उन लोगों का विश्वास कितना बढ़ गया। तो पवित्र आत्मा का वरदान प्रभु ने हमें दिया है, किसीम किसीम का वरदान है। ये रोगियों का चंगाई करना सबों को दिया हुआ है, सबों को। क्या लिखा है ना, विश्वासी, आप विश्वासी हैं तो ये वरदान है। आपका घर में क्या, घर में कौन सा कोई घर है क्या कुछ बीमारी नहीं है? तो सब घर में कुछ ना कुछ बीमारी है, सब घर में कुछ ना कुछ बीमारी है कि नहीं? हम लोग बेचारा ये बच्चों बीमार के वजह से बहुत दुखी हैं, और डॉक्टर के पास जाता है, बहुत पैसा देना पड़ता है,
बहुत दवाई लेना पड़ता है, उसके बावजूद भी बीमारी नहीं जाता है। तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, दवाई लेना भी जरूरी है, लेकिन प्रार्थना करना भी जरूरी है। एक दिन दूसरा एक घटना मैं बताता हूं। अच्छा, एक अच्छा घटना बताता है, पवित्र आत्मा का वरदान का काम कैसे है। एक जगह पर अभी कल हमारा ये ध्यान, ये बिंदु उपवास खत्म होने से हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो लोग बिंदु उपवास में भाग लिया है उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि पवित्र आत्मा उन्हें उतर आइए और ज़्यादा वरदान और हमें सब कुछ कृपा दे दे करके। ऐसे लोग खड़े थे, घुटने टेकते थे और प्रार्थना करते थे, तब अचानक एक औरत दौड़ के आकर वो भी घुटने टेका, वो इसमें नहीं था। तभी मैं क्या करेगा, मैं उसके लिए भी प्रार्थना किया। जब मैं उसके लिए प्रार्थना किया, उसका हाथ जो सच था, सही था, वो हाथ बीमार हो गया। तुरंत वो हाथ क्या बोलता है, वो हाथ द हैंड बिकम पैरालाइज हो गया। पैरालाइज मतलब हाँ समझ में आया ना, पैरालाइज हो गया। अभी वो चिल्लाने लगा, आपने क्या किया, आपको आप चंगाई का प्रार्थना किया तो मुझे चंगाई का जगह पर बीमार हो गया, आप कुछ करना पड़ेगा, मुझे ये हाथ रह के मैं घर नहीं जा सकता। अभी क्या करेगा, प्रार्थना चलाने वाला का यही तकलीफ है। अभी फादर जी और मैं ये चलाता है, लेकिन चलाने के बाद ऐसा होगा तो हमें, हमारा जिम्मेदारी है ना। अच्छा, तब मैंने बोला कोई बात नहीं, आप इधर बैठिए, सब लोगों को छोड़ने के बाद मैं आपको एक काउंसिलिंग देगा, इसका क्या कारण है पूछेगा। देखिए, सब लोग चले गया, मैं उसके साथ बैठा। पवित्र आत्मा का वरदान है मेरे अंदर और ये आपको भी हो सकता। पवित्र आत्मा, इसका क्या कारण है बताइए। तो पवित्र आत्मा एक दर्शन देता है, दर्शन, और वो दर्शन मुझे ऐसा मिला, ये बहन जी उनकी खुद का उनकी बहन के साथ 3 साल से बातचीत नहीं करता है। ये जो औरत है उनकी बहन के साथ 3 साल से बात ही नहीं करता है। वो पवित्र आत्मा मुझसे कहा, इससे बोलो पहले वो उसकी बहन के साथ मेल मिलाप करो, तब इसका हाथ चंगा हो जाएगा। तो मैंने इनसे कहा, देखो पवित्र आत्मा ऐसा कहता है कि आप अपने बहन से 3 साल से बातचीत नहीं करता है, उसे घृणा है, क्रोध है, हाँ वो ऐसा किया उसके साथ मैं बात कर, बहुत गुस्सा होने लगा। तो मैंने कहा, देखो आपका माँ का गोद से पैदा हुआ, एक ही माँ से पैदा हुआ बहन से आप बात नहीं करेगा, आप कौन सा ईसाई है, प्रभु ने क्या हमें सिखाया, प्रभु ने दुश्मनों को भी प्यार करने सिखाया और आप अपनी बहन से प्यार नहीं करता है, तो अभी आपको इसीलिए प्रभु ने लाया है, विधि उपवास का अग्र में आया, आप सीधा जाके घुटने टेका, मैंने प्रार्थना भी किया और आपका हाथ ऐसा बीमार हो गया, इसे प्रभु आपको सिखाना चाहिए। पवित्र आत्मा का वरदान पाने के पहले
हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए और ये भी होना चाहिए कि इसके द्वारा आपका आपको कुछ सिखाना चाहिए। तो अग्रिमी वो समझ गया हूँ, बोला मैंने इसके लिए प्रार्थना किया है प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा का प्यार से भर दीजिए। कुछ देर ही प्रार्थना किया तो वो बोला अच्छा मैं उनको क्षमा करेगा, मैं उसको क्षमा करता है, मैं उसको क्षमा करता हूँ। तो मैं उसके लिए प्रार्थना किया आप क्षमा कीजिए। मैं बोला वो तुम्हारा बहन जी को मन में विचार करो और उसके बोलो मुझे माफ़ी दे दो, मैं तुमसे दुश्मनी दूर कर तुमको प्यार करता हूँ, मैं तुमको क्षमा देता हूँ। जैसे कि मैं क्षमा देता हूँ करके वो कहा, तब सीधा उसका हाथ सीधा हो गया, तुरंत उसका हाथ सीधा हो गया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का वरदान इसीलिए हमें देता है। अभी देखो कल का सुसमाचार में समारी स्त्री के पास प्रभु आया, समारी स्त्री से प्रभु बातचीत किया, अकेले आया और उसके बाद उनसे कहा मैं जो पानी देता है वो तुम पिएगा तो फिर तुमको प्यास नहीं होगा। तब वो समारी स्त्री सोचा अच्छा तो अच्छा है, मैं तो पानी लाने के लिए आने का ज़रूरत नहीं है। तब वो पूछा मुझे वो पानी पिलाइए। हाँ पिलाएंगे। प्रभु ने कहा तुम्हारा पति को लेके आओ। तब वो कहने लगी मुझे कोई पति नहीं है। हाँ तुम सही बोला, तुमको 5 पति था और जो तुम इसके साथ रहता है वो तुम्हारा पति नहीं है। आप एक नबी है। देखो कुछ लोग उनको बहुत बुरी रीति से सोचता है, उतना बुरा नहीं है। वो क्या कहा मुझे 5, प्रभु ने क्या कहा तुमको 5 पति था। पति मतलब वो 5 बार शादी किया है। ये तो उस समय पर होता है, एक शादी होता है उसके बाद वो ठीक नहीं है तो उसको शादी से छुटकारा मिलकर दूसरा शादी हो सकता था, उस जमाने में ऐसा था होगा। लेकिन ऐसा लिखा है 5 पति, तुमको 5 पति था लेकिन अभी तुम जिसके साथ रहता है वो तुम्हारा पति नहीं है। लेकिन इसका दूसरा भी मतलब है, ये सुसमाचार में जो वचन का कहीं दूसरा भी आध्यात्मिक अर्थ होता है। उस जमाने में कोई लोग प्रभु सच्चे ईश्वर पर जो विश्वास करना चाहिए वो सच्चे ईश्वर को छोड़कर दूसरा क्या बोलता है आइडल वर्शिपिंग है, मूर्ति पूजा है, सही है। अगर मूर्ति पूजा करता है तो उसको भी ये बोलता है कि वो क्या बोलता है व्यभिचार बोलता है। मतलब तुम अपने आप ईश्वर को आराधना करने के पहले दूसरे को आराधना करता तो उसको भी व्यभिचार कहता है। उस जमाने में ऐसा था। तो हो सकता है कि वो 5 दूसरा मूर्ति को आराधना करता था, वो भी हो सकता है। क्योंकि इसके बाद उन्होंने प्रभु से कहा आप लोग कहाँ आराधना करता है, हमारा लोग बोलता है कि सचमुच आराधना पहाड़ को पड़े, आप लोग बोलता है कि जरूसलेम में। तो तब प्रभु ने कहा मुझ में विश्वास करो, सच्चा आराधक ईश्वर को आत्मा में आराधना करना चाहिए।
अच्छा जो भी हो, अभी हमारा विषय है प्रभु ने इनसे जो कहा तुमको पांच पदी था, ये पवित्र आत्मा का वरदान के द्वारा प्रभु कहता है। मतलब इस अवरत का जिंदगी में पूरा जो कुछ भी हुआ है वो सब प्रभु एक सेंटेंस में बोलने लगा, तुमको पांच पति था, अभी जो उसके साथ रहता है वो तुम्हारा पति नहीं है। उसको इतना उसका दिल पर लगा कि अरे ये तो किसी को जानता नहीं मेरा जीवन के बारे में, ये कैसे मालूम पड़ा। और वही बात वो समारी शहर पर जाके सबों को बोलने लगा, देखो इस मनुष्य को आके देखो, उन्होंने मेरा जीवन का सब कुछ मुझे बताया। समझ में आया, तब विश्वास बढ़ता है। देखो मैं हमेशा यही प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे आज किसी को भी प्रभु के बारे में बोलने का मौका दे दो। तब ऐसा हुआ, मैं रेलगाड़ी में जा रहा था, रेलगाड़ी में ट्रेन में, तब एक स्टेशन पर एक आदमी आके मेरे पास बैठा, मेरे पास बैठा तुरंत मेरा हृदय पर दर्द होने लगा, मेरा हृदय में दर्द होने लगा। तो मैंने पूछा प्रभु ये क्या अभी मेरे हृदय पर दर्द हो रहा है, तो ये एक चिन्ह है, ये एक वरदान है मेरे पास में, अगर कोई भी व्यक्ति जिसको कोई बीमार है तो वो मुझे उस व्यक्ति को कहाँ पर बीमार है उस जगह मेरे शरीर पर मुझे दर्द होगा। तो मैंने पूछा प्रभु ये क्या है, तो प्रभु ने कहा ये आदमी का हृदय में एक छेद है, एक छोटा सा छेद है, और तुम प्रार्थना करो मैं उसको चंगाई करेगा। वो अभी अभी आके बैठा है, अभी क्या करेगा, प्रभु जो बोलेगा तो हम अनुसरण करना चाहिए ना। तब मैं प्रार्थना किया है प्रभु आपने तो ये अभी हम लोग सुना जो वरदान आपको मुफ्त में दिया है मुफ्त में दे दो, चंगाई का वरदान, दर्शन का वरदान, ये सब किसी लिए प्रभु हमें को दिया है, दूसरों का सेवा के लिए। तब मैंने इसको थोड़ा सा देखा और बोला आपका क्या नाम है, तो वो ईसाई नहीं है, वो एक हिंदू भाई है। और मैंने बोला देखो आपका हृदय में एक छेद है, आपको कैसे मालूम पड़ा। हाँ मुझे प्रभु ईसा मसीह मुझे बताया, वो प्रभु ईसा आपको जानता है। देखो अभी वो बोलने लगा, एक घंटा का पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे कहा, दूसरा किसी को मालूम नहीं है बात, और मुझे इतना तकलीफ है कि ये हृदय का द्वार बंद करने के लिए जो ऑपरेशन करने के लिए लाखों रुपया का जरूरी है मेरे पास वो नहीं है, मैं बहुत गरीब है, कैसे मुझे बचाएगा करके मैं सोच रहा था। देखो प्रभु यीशु उसको कहां पर लेके आया। और मैंने कहा आप इससे मालूम पड़ा प्रभु यीशु सचमुच जीवित परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपका हृदय पर निवास है, आपका हृदय का जो छेद प्रभु चंगाई करने वाला है, अभी मैं प्रार्थना करेंगे। मैं उनका हृदय पर हाथ लगा के प्रार्थना किया और कुछ मिनट पर उनका उतरने का रेलवे स्टेशन आ गया। वो बोला भाई मैं उतरने का वक्त आ गया, मैं जाता हूँ। हाँ मुझे पूर्ण यकीन है कि उसका चंगाई हुआ है। सो पवित्र आत्मा का वरदान हम लोग साधारण लोगों पर बहुत काम करता है, किसलिए हम लोग प्रभु का सुसमाचार के लिए सीधा ऐसा दुकान खोलने का नहीं, चंगाई का ये कैसे इस्तेमाल करना चाहिए
मत्ती के सुसमाचार में उन लोगों को क्या बोलकर भेजा है, तुम लोग पहले सुसमाचार घोषणा करो, स्वर्ग का राज निकट है, सुसमाचार का घोषणा करो और रोगियों को चंगा करो, हील द सिक, रेज द डेड। उन लोगों को ये वरदान भी दिया कि जो जो मरा हुआ उनको जी उड़ने का उड़ाने का, उस समय पर वो सब था, मुर्दे को जी उड़ाने का वरदान। आइए तो हमारे जीवन पर ये धर्म ग्रंथ में लिखा है, मतलब कुरिन्थियों का नाम पत्र में लिखा है, हर एक व्यक्ति को कम से कम एक वरदान होगा ही होगा। हर एक व्यक्ति में किसिम किसिम का वरदान है, क्या आप अभी ये विश्वास कीजिए। हम लोग इतना उसको क्या बोलता है, हम लोग अपने आप बहुत कम समझते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, द इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को हिंदी क्या है, इंफीरियोरिटी मिन्नावेंटिका, इंफीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब हमारे मन में हमेशा हो नो 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 ये सब वरदान हमारे लिए नहीं होता है, वो तो फादर जी सिस्टर जी वो लोग को ही होगा, हमारे लिए नहीं होगा, ऐसा हम हमेशा सोचते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात को आप यकीन कीजिए, आप ये विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा आप में निवास है, और पवित्र आत्मा आपके द्वारा सुसमाचार कार्य करने के लिए बहुत सारा वरदान देता है, दिया हुआ है, वरदान आप में है, है। अभी देखो मैं चाय पीने, चाय बनाने के लिए बोला, चाय बनाया, सिस्टर जी पूछा आप शक्कर डालेगा, हाँ शक्कर डालो, और शक्कर डाल के मुझे दे दिया, मैं पी के देखा तो मीठा नहीं है, क्यों मीठा नहीं है, शक्कर डाला है लेकिन चाय मीठा नहीं है, क्यों क्यों मीठा नहीं है, गुलाया नहीं। मैं बोला सिस्टर जी ये मीठा नहीं है, अरे कैसे मीठा नहीं है, मैं तीन चम्मच शक्कर डाला है, क्यों मीठा नहीं है, वो गुलाया नहीं, गुलाया नहीं। वैसा ही हमारा जीवन पर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा और पवित्र परम पावन त्रिएक ईश्वर हमारा हृदय पर निवास है, जैसे तीन चम्मच शक्कर जैसा, लेकिन हम लोग गुलाया नहीं, तो वही नीचे पड़ा है, नीचे पड़ा है। इसीलिए हम लोग एक गीत में ऐसा गीत गाया, प्रज्वलित कर मेरे हृदय में तेरी प्रेम की अग्नि ज्वाला, खिलाना चाहिए, प्रज्वलित कर मेरे हृदय में तेरी प्रेम की अग्नि प्रज्वलित प्रज्वलित। तो पवित्र आत्मा को हमारे अंदर प्रज्वलित करना चाहिए, प्रज्वलित करने से क्या होगा, हमारे अंदर में जो कुछ भी दिया हुआ वरदान सब काम करने चालू करेगा, काम करने चालू करेगा। अभी सोचो कि आप ये इसके बाद घर जाए, घर गया बहुत अच्छा लगा, चारों बाजू से लोगों को आप आपका अनुभव सब बांटा, तो सुसमाचार मतलब क्या है, सबसे पहले आपका अनुभव बताना, और आप बोलेगा ये वचन मुझे अच्छा लगा, ये वचन मुझे अच्छा लगा, वो वचन बताया, तब एक औरत आके बोला, नहीं तो एक भाई आके बोला, क्या मेरा बच्चा बहुत बीमार है, तेरा प्रार्थना करेगा, ओ मैं वो तो